हाँ जी जी मैं बैंक से बात कर रहा सर। कौन से बैंक से? हाँ बोलिए। बैंक का एटीएम कार्ड खा रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनाते हो यार लोगों को, रख दो फोन अब। क्या सर? रख दो, अकाउंट ही नहीं है ना। अभी आपने क्या बोला सर? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, बोल रहा हूँ सर। बेवकूफ बनाने का हम लोग काम है यही। हाँ चलो ठीक है ठीक है, लगे रहो। ठीक है, आज काम नहीं हुआ ना सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो ठीक ठीक ओके। हाँ इसीलिए सर, क्या करा ये गंदे है ना। चलो ठीक है यार, लगे रहो, जब पकड़ा जाओगे तब देखो। हाँ सर मुन्ना जी जी वही तो बोल रहा सर, आपसे बोल के बहुत अच्छा लग रहा है। मुन्ना फंस ली रहा है। नहीं नहीं, अब क्या मुर्गा वाला बात नहीं है, अब जो है ना समय बदल गया। पहले जो है बात अलग था, अब समय बदल गया मेरे भाई। जी 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 सर, पहले बहुत चक्का चवा चला सर, अब नहीं चलता है। नहीं चल रहा, वही तो दिक्कत हो गया। तो तुम लोग का फोन नंबर भी नहीं दिखता यार, वैल्यू तो अगर हम उसमें ट्रू कॉलर वगैरह में देखते हैं तो नहीं पता चलता कौन है क्या है, कैसा क्या है। इतना टेक्नोलॉजी कैसे ला लेते हो यार? क्या करे सर, हम लोग आप लोग जैसे पढ़ के कोई नौकरी लिए, हम लोग पढ़ के यही तैयारी की है। नहीं नहीं ठीक है यार, अब क्या करोगे, लेकिन थोड़ा माँ बाप को नाम कभी तो सो भी करना चाहिए यार। क्या करे सर, पढ़ के नौकरी नहीं मिलता है तो लास्ट में मजबूरी में क्या करेंगे सर, कुछ तो धंधा तो सीखना पड़ता है। मैं भी नौकरी में नहीं हूँ, सूखा रोटी खाओ सुख में रहो, काहे को पराठा खाने के चक्कर में हो। क्या करे सर, आजकल के डेट में जब दो नंबर धंधा नहीं करिएगा सर तो कभी आगे नहीं बढ़ते, अगर इंसान से खाइएगा तो सबसे नीचे रहिए। चलो ठीक है भाई, जैसा करना है करो आप लोग, है ना। चलो बात करके अच्छा लगा। जी जी इसीलिए तो आपसे मैंने जी जी इसीलिए तो आपसे बात किया सर हम भी। नहीं नहीं क्या टोन से तो आपको ऐसा लग रहा है कि यूपी बिहार वाले ही हो। जी जी नहीं दिल्ली के सर, दिल्ली के। चलो ठीक है, लगे रहो लगे रहो। जी वही देख रहा सर, सुबह सुबह मॉर्निंग में कहीं गए देखते हैं मुल्ला अगर फंस जाए। अरे तो बैंक नहीं खुला, तुम लोग अभी से कोई मुर्गा को फंसा दोगे तो लोगों को पेपर में आ रहे लोग। कोई दिक्कत नहीं सबसे सर, बैंक खुले या नहीं खुले हम लोग बैंक से मतलब नहीं होते, डायरेक्ट बैंक से हैंग कर देते हैं। चलो ठीक है। आज मेरे को भी लग रहा है कि आप भी दिल की बात कर रहे हो और मैं भी दिल की बात कर रहा हूँ, कम से कम आप मेरे को मुर्गा बोल रहे हो यहाँ डायरेक्ट मेरे फोन पे। अच्छा नहीं, नहीं, आप वो नहीं बोले सर, नहीं आप गलत सुना, आपको मुर्गा नहीं बोला, हम बोले कोई मुर्गा आपको नहीं फंसा हम लोग का, वो बोले। अच्छा अच्छा, अब क्या लोग पढ़े लिखे हैं यार, सोशल मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि गलती से मोबाइल नंबर मत दो। आदमी सर फिर भी तो आदमी बुड़बक है ना, कितना आदमी को सब पेपर में टीवी में सब चीज में देते हैं, फिर भी आदमी बुड़बक बनते हैं। तो आज डेट में पुलिस इतना टेक्नोलॉजी, तुम लोग आज तक पुलिस घाटते नहीं चले यार तुम लोग। पुलिस क्या करेगा सर, पुलिस तो पैसा लेता है, एक लाख कमाइए पुलिस के 10,000 दीजिए छोड़ देता है, पुलिस क्या करेगा, सब तो पैसे पर दुनिया में। नहीं पुलिस का जैसे आप मेरा ठगी कर दिए, मैं अपने स्थानीय पुलिस में शिकायत करूंगा, है ना। जैसे आप पुलिस में, जैसे सर आपको पैसा मरा गया, आप पुलिस में जाइएगा, पुलिस में नंबर दीजिएगा कि ये नंबर से मेरा पैसा मार लिया, पुलिस क्या बोलेगा कि ये आप नंबर क्यों दिए, ये नंबर आपको मेरा नंबर से वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा पास जो भी चीज काम करता हूँ वो भी ओरिजिनल चीज नहीं होते हैं। हाँ वो बात भी है, लेकिन आज की डेट में अच्छा अच्छा हत्या को सुलझा दे रहा है, अच्छा अच्छा डकैती को पुलिस सुलझा दे रहा है। तो पुलिस देखिए सर, पुलिस पकड़ेगा किस लिए, कहाँ पकड़ पाएगा ना, कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं होते, हम लोग जो भी काम करते हैं सब फॉर्जरी होते हैं। ये बात तो है, फॉर्जरी करके तो काम कर मेरे, जी मेरे नाम पर कुछ रहेगा तभी तो हमको पकड़ने अब आएंगे सर, जैसे आपसे मेरी बात है। अभी अभी आपका जो लोकेशन है वो पुलिस को अगर मोबाइल चालू रहा तो दो मिनट में पता चल जाएगा आप कौन से टावर पे फोन कर रहे हो। नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे, जिस एरिया में हम लोग काम करते हैं वहाँ लोकेशन हम लोग ऐसा सिस्टम है कि कोई लोकेशन भी काम आपका नहीं करेगा, यहाँ आने के बाद हम लोग सिस्टम लगा दिए। तो अच्छा देखिए, इतना पढ़े लिखे हो, जानकार लोग हो, टेक्नोलॉजी जान रहे हो, तो और कोई काम करो इसमें, फिर मतलब क्या बताओ, आज नहीं तो कल जैसे आपके शादी होगा, बच्चे होंगे, तब भी बच्चों के सामने भी शर्मिंदगी कभी हो जाए, उठाना पड़ जाए। वो तो सही है सर, आपकी बात अमिताभ बच्चन का मेरा बाप चोर है वैसा, कहने का मतलब अपने काम से, अपने काम से बच्चों को माँ बाप को शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए ना। जी जी वो तो हम भी सच रहे, गलत काम करते हैं, किसी बहुत मेहनत से पैसे रखते हैं, कोई बच्चे पढ़ाने के लिए रखते हैं, कोई शादी के लिए रखते हैं, हम भी सोचते हैं, हम भी जो दो पैसा कमाते हैं हम भी सोचते अपने बाल बच्चे के लिए रखेंगे, मगर हम भी सोचते हैं, मगर क्या करें सर, मजबूर भी जैसे सब लड़के करते हैं तो उनको साथ हम लोग भी लग जाते हैं ना मजबूर, जैसे सब ये घर बना रहा है, ये पैसा जमा कर रहे अकाउंट में,
अरे ठीक है यार, अब क्या बोलोगे, चलो बातचीत करके आपसे भी अच्छा लगा। जी जी, इसीलिए तो मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि सर, इसलिए ना तो मैं पूरी बताते हैं, आप अच्छी बात किए, अगर वही आप अच्छा से बात नहीं करते तो मैं आपको कुछ नहीं बताता हूँ। सही बात, सही बात। मगर जो भी काम कीजिएगा सर, आप बच के रहिएगा, क्योंकि आप किसी को लवर नहीं देंगे सर। चलो ठीक है, बहुत बहुत पैसा नहीं देंगे सर, क्योंकि अब कुछ भी अगर आपसे पिन कोड अकाउंट नंबर ये सब भी नहीं पूछते हैं। नहीं नहीं, मैं खुद इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को मालूम है जो 16 डिजिट का नंबर और पीछे जो सीवीवी नंबर दे देने से बाकी कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आदमी बोलते हैं ना कि पिन कोड चाहिए अकाउंट, वो सब कुछ नहीं लेना पड़ता अभी के डेट में, खाली आपका सीवी नंबर अगर लेते हैं तो उससे भी आपको पैसे उड़ा देंगे, एक बार में उड़ा देंगे सब पैसे। जो सीवीवी नंबर जो पीछे रहता है वो ना 16 डिजिट का नंबर नहीं लगता। नहीं नहीं, 3 अंक का जो सीवीवी नंबर रहेगा, तो आपका अगर अकाउंट में 50,000 है तो 50,000 एक बार में उड़ जाएगा, और 50,000 का पता भी नहीं लगा पाएंगे, बैंक भी जाएंगे तो बैंक वाला भी पता नहीं लगा पाएगा कि मेरा पैसा कहाँ गया है। अच्छा, ऐसा टेक्नोलॉजी है यार, बढ़िया है। क्योंकि 50,000 का 25 जगह को भाग कर देते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग जगह पर भेज देते हैं, और पैसा हम लोग वो किसी मोबाइल में रिचार्ज में होके बन के आते हैं, फिर उसको मनी सॉफ्टवेयर में डालते हैं। अच्छा अच्छा, ये जैसे रिचार्ज टाइप से। जी, इसीलिए सर कभी आप नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं आपको अच्छी बात की है तो मैं आपको अच्छा भी बता देता हूँ, अपने फैमिली में भी है अगर उनको कभी बोल देंगे सीवी नंबर तक भी नहीं बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, थैंक यू यार, थैंक यू। आपको उम्र क्या भाई वैसे? उम्र 24-25 कुछ होगा? नहीं सर, ज्यादा है, 32 हो रहे। 84 क्या बोल? 32 सर। 32 यार, अभी आप बहुत समझदार आदमी हो, और ये काम छोड़ दो मेरे भाई, ये काम छोड़ दो, अभी कोई इडली डोसा आलू गुंडा भी बेच लोगे, जीवन यापन कर लोगे मान लो। सर हम भी, आप जैसे आप सोचते हैं, हम भी किसी सोचते पैसे बहुत, अभी बहुत तरह से पैसे, जब किसी को पैसे मारते हैं ना सर तो बहुत खराब लगते हैं, पर क्या करें, मजबूर, मतलब हम लोग ये जैसे किसी आदमी को मजबूरी करना पड़ता है ना, तो हम लोग किसी को पैसा मारते हैं, हाथ डुबा खराब देते हैं ना बहुत। नहीं नहीं, जैसे वाल्मीकि वाला सुने हो कि नहीं, पहले डकैत था 80, फिर बाद में परिवार को पूछा कि भाई आप पैसा कहाँ से ला रहे हो, तो मेरे को आपका काम है परिवार को पालना, कल को पाप भी आपको ही काटना है, बच्चों को बीवी को कोई मतलब नहीं, फिर बाद में बाल बन जाओगे तो कोई मतलब नहीं। तो है सर, एक दिन किसी को अगर कनाते हैं तो एक दिन आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अपन हिंदुस्तान में यार देवी देवताओं के ऊपर आस्था रखते ही है, आज जो गलत काम करता है वो भी भगवान को पूजा करता है, और जो सही काम करता है वो भी पूजा करता है। वो तो है सर, अगर आप हम सही काम करते हैं एक नारियल का फोड़ते हैं मंदिर में, अगर हम गलत काम करते हैं तो 4 नारियल फोड़ते हैं भगवान, सबको बात ये सही है। सही, चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए, थैंक यू, थैंक यू, ओके ओके।